तब रिसेशन शुरू हो गया था और तभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं हाथ में डिग्री और सर्टिफिकेट लेके कॉन्फिडेंट चाल के साथ अपनी माँ के पास पहुँचा और वो सर्टिफिकेट उन्हें थमा दिया। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उन्हें बहुत घमंड हो रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी आंखों में वो देख पा रहा था। बेटा तुम शादी करोगे? आप जैसा बोलो माँ। पंडित जी, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? क्या हुआ बहन जी? मैं समझ गया। पंडित जी ध्यान से सुनिए, हमें 25 लाख दहेज चाहिए, लड़की बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर में ही रहने वाली चाहिए। यस। क्या कहते हैं? सही कहा, इससे कब नहीं चलेगी। उस दीवान को लेके 7 साल बीत गए, सेम पंडित, सेम माँ, पापा की पोजीशन भी सेम टू सेम। पंडित जी जी, 15 लाख दहेज चाहिए, लड़की थोड़ी सुंदर चलेगी, खाने का देख लेंगे। तो ननद के लिए? वो कहाँ से टपकी, क्या कहते हैं आप? ठीक है काम मत करना। और उसके बाद 4-5 साल और बीत गए, सेम पंडित, सेम माँ, सेम टू सेम पापा, लेकिन सबके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो गए थे। पंडित जी बोलिए। दहेज नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन लड़की दिखने में अच्छी चाहिए। और खाने का क्या, जब तक मुझसे होता है मैं कर लूँगी, उसके बाद ये कर लेगा। हा? क्या कहते हैं जी? बहुत बढ़िया, अब इससे कम मत करना। हाँ माँ। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पता है क्या? फोन। मेरी माँ। अरे बाबा, तुझे जो मिले उससे कर ले, ज्यादा खींचेगा तो कोई नहीं मिल पाएगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? रखना माँ, ये है मेरी सिचुएशन। टाइम के साथ साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, अब मुझसे कौन शादी करेगा? अच्छी इतनी उम्र होने के बाद खुद को मेंटेन रखने के लिए बालों को पहले काला करो, फिर उन्हें कटवाओ और फिर उन्हें शेप दो, एक बार फिर से स्टाइल करवाओ, फिर से कलर करवाओ। अरे यार सारे बाल उड़ गए मेरे। सर जूस। थैंक यू थैंक यू। मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है यार। क्या हो गया है मेरे माँ बाप को? हमें क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, ये सोचकर जवानी में उनके पर निकल आते हैं और उनके पर कटते कटते हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इसके लिए चुकानी पड़ती है भारी कीमत। इस समय इतनी प्यारी लड़की तुझमें इंटरेस्ट दिखा रही है यार, तू उसे अपना के अपना घर बसा ले, ऐसा चांस वापस नहीं आएगा, मिस मत कर। मैं कोई तेरे बकवास के लॉजिक से कन्विंस नहीं हुआ हूं, पर मुझे ही पता नहीं है क्यों कल उससे मिलना है, मिल लूंगा। ईगो।